स्थापना 2001 में हुई और एक बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई। पिछले 23 वर्षों में एक बीटेक कॉलेज से 240 के इंटेक से स्टार्ट करके आज लगभग 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटेक हम लोगों के पास में है, जिसमें बीटेक कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, पीजीडीजीएम है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। इसके अलावा ग्रुप ने दो स्कूल्स भी बनाए। लगभग 7000 प्लस स्टूडेंट्स इस समय हम लोगों के पास में हैं और 18000 स्टूडेंट्स का एलुमनाई बैंक हम लोगों के पास में है। ग्रेटर नोएडा में होने की वजह से बहुत सारी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग सभी कॉरपोरेट ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी हैं उनके ऑफिसेज गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली में हैं। जिन कंपनीज़ में बेंगलोर में जिनके ऑफिस हैं तो उनका एक ब्रांच दिल्ली में भी है। तो प्लेसमेंट के लिए उस नाते बहुत अच्छी हमारी लोकेशन है जहाँ पर ये कॉलेज स्थित है। जम्मू में आज हम पहली बार आए हैं। लगभग 22 स्टेट्स के स्टूडेंट हम लोगों के यहाँ पर हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से पिछले लगभग 20 वर्षों से हमारे पास में हर साल सालाना 100-150-200 बच्चा हमारे पास में आता है। तो इस साल ये प्लान किया गया कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल किया जाए, तो हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैडम ने आपको ब्रीफ दिया इंस्टीट्यूशन के बारे में, मैंने आपको बताया, आप लोगों के जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर से जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास हर साल आते हैं और कैंपस में ही हॉस्टल है जिसमें होमली फैसिलिटीज़ हैं सारी की सारी, रहने से लेकर खाने से लेकर उनकी टेक केयर करना, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में सोचना, तो वो सब काम चलता है। J&K के जो भी स्टूडेंट्स इस साल रहेंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए की हमने स्कॉलरशिप इस साल प्लान की है J&K के स्टूडेंट्स के लिए, सभी कोर्सेज के अंदर। जम्मू कश्मीर